ଏକାଂଶ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ନବୀନ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। प्रथम पर्याय विधानसभा प्रार्थी तालिकारे प्राय 60 जन वर्तमान विधायक रिपीट करिसेंति नवीन 72 जन प्रार्थी भितर 13 जन रही संपूर्ण नुआ चेहरा आउ प्रथम दफा तालिकारे 12 महिला प्रार्थी को मिली स्थान। बीजेडी प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका को देखिले जना पड़ी एथर रिस्क नेबाकू चाहिनांती सुप्रीमो नवीन पटनायक। 72 जन प्रार्थी मध्य अधिकांश रही पुराणा मुह अर्थात अधिकांश वर्तमान विधायकों टिकेट कायम रही देवी रणेन्द्र अरुण प्रताप प्रफुल्ल विक्रम निरंजन प्रमीणा प्रणव प्रीतिरंजन बद्री प्रदीप अमात भि नेता रिपीट करजेडी प्राय 60 जन पुराणा नेता भरोसा कर नवीन हिंजिड़ी आसन कोई कायम रखिंट नवीन आज जो प्रथम प्रार्थी तालिका प्रथम पर्यायर घोषणा कले विधानसभा लोकसभा से बड़म्बा नरसिंहपुर निर्वाचन मंडली मोर ना घोषणा करती गभीर कृतज्ञता अंचलवासी तरफ मानव मुख्यमंत्री मोपर पुणी आस्था विश्वास रखिंट यहीटा मोपाई अत्यंत गर्वर विषय मु कृतज्ञता ज्ञापन करी आमरी जूनागढ़ और गोलामुंडार जनसाधारण जो मैंने निष्पत्ति नहीं जो भी भाव में माननीय मुख्यमंत्री दिग्दर्शन रे आमरी 5T अध्यक्ष जो शत प्रतिशत ट्रांसपेरेंसी एवं समस्त आवेग को रक्षा करिवार जो परंपरा गोटे ओडिशा रे सृष्टि करिसेंति लगातार षष्ठ थर क्षमता दखल करिया पाई अभिज्ञ तथा पुरुखांक उपरे अधिक भरोसा करिसेंति नवीन आ निर्वाचन युद्ध रे विजय रो टीका पिंधिबा पाई जे सेना प्रस्तुत करिसेंति नवीन सेथिरे हेउछंति अधिकांश पुरुणा योद्धा जो माने निर्वाचन युद्ध को बुझंती एवं एथिपाई क्षेत्र मध्य प्रस्तुत करी थांती सेथिपाई प्रथम दफारे 72 जनक मध्यरो 60 जन होउछंती पुरुखा नेता। प्रथम दफा तालिकारे 10 अधिक नुआ मुह को देखिबा को मिलिछि पुरी दिगपहंडी चिकिटी थामनगरे नुआ चेहरा उलाइछंती मैदानकु सेहीपरी जाजपुर पाटकुरा बस्ता बलांगीर भी प्रथम कर निर्वाचन मैदान को ओह्लैबे जुवनेता झरिगा नवरंगपुर भवानीपाटणारे युवा प्रार्थी बाछिंट नवीन पुरीरु दिवंगत बीजेडी नेता महेश्वर महांती पुव सुनी महांती को बीजेडी प्रार्थी करटकुरारे वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र पु अरविंद महापात्र मिली टिकेट से हीपरी दिगपहंडी प्रार्थी होती बीजेडी तुंग नेता स्वर्गत सूर्य नारायण पात्र पु विप्लव पात्र चिकिटी विधानसभा आसन बीजेडी प्रार्थी होती राणी उषा देवी पु चिन्मयानंद श्रीरूप देव अति उत्फुल्लित मु प्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक को धन्यवाद देवी से मत ये सुजोग दे निश्चित भाव तर जो स्वप्न अच्छी पाटकुरा को द्विगुण कर स्वप्न को आगक ने जो श्रेयटी पूरी सहर पूरी सदर जनसाधारण श्रेय ये टिकेटी तांकर आशीर्वाद लोड़ुची जो विशाल परिवारटी मो पिता स्वर्गत महेश्वर महांती छाड़ी जाइछंती ए परिवार रो इटा आज टेको उठी रही। प्रथम पर्याय तालिकारे घोषित 72 प्रार्थी भितर अच्छा 12 जन महिला प्रार्थी एही तालिकारे रायगड़ अनुसूया माझी विजयपुर रीता साहू अतापीरु स्नेहांगिनी छुरिया बस्तारु सुभाषिनी जेना बिछारपुर प्रमीणा मल्लिक जाजपुर सुजाता साहू टीटिलागड़ टुकनी साहू उमरकोट रु नवीना नायक नवरंगपुर कौशल्या प्रधानी भवानीपाटणु लतिका नायक कवि सूर्यनगर रु लतिका प्रधान सोरड़ संघमित्रा स्वाई को मिली टिकेट पुणि थे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक टीटिलागड़ निर्वाचन मंडली विजु जनता दल प्रार्थी हिसाब से मोर ना घोषणा करो तरफ टीटिलागड़ निर्वाचन मंडली तरफ माननीय मुख्यमंत्री की कृतज्ञता ज्ञापन कर प्रणाम जनाऊँ कहीं से आस्था विश्वास जो लगे मत सुजोग काम करार लगे मु प्रथम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी मत आशा और विश्वास रखिकी ये टिकेटा दे थ ये टिकेटा मोर ना मोर समग्र मोर जिलावासी समस्ते मत आशीर्वाद करी आगामी इलेक्शन रे विपुल संख्यार भोट देक जिते मु आशा रखी पर आस्था प्रकट कर माननीय मुख्यमंत्री आउ विधायक जे आमर ओडिशार सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास महोदय मत जो भरोसा विश्वास करके आज
ମୋତେ 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଲୋକସଭା ଆସନବାରୀ କସରତ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା 7ଟି ଲେଖାଏଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଇନପୁଟ ଓ ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ନିର୍ଯାସକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। तो जो भाव में प्रथम दफार प्रार्थी तालिका को नहीं आम आलोचना करूँ और तार भितर आप देखुं महिला मानक गुरुत्व दि जाऊँ आ बड़ कथा हो रिपीट भी होती 60-80 चेहरा अर्थात जो भाव में आम देखुचे जो तीन चतुर्थांश आसन में विजयी होगा जो रणनीति नवीन आपणाई अब सुप्रीमो आपणाई तार भितर पुराणा अभिज्ञ नेता मैंने स्थान पाई जो मैंने कि जो रणनीति प्रस्तुत करज निज क्षेत्र आलोचना करिबा महेश अच्छा मो सहित। महेश, जो लिस्ट कथा कहे विजु जनता दल तरफ गत काल जो लिस्ट और तारी भितर महिला प्राधान्य दि जाए जहाँकि सबुबले सुप्रिमो नवीन पट्टनायक गुरुत्व था महिला सहित पुरुखा नेता जुवनेता पुरुखा नेता एक अभिज्ञता को नहीं जुवनेता आगक बढ़े तो गोटे प्रकार जदि लिस्ट देखा तालिका देखा समस्त को सामान अधिकार दि जाए। देखते ये जो 72 जनिया जो तालिकाटी विजु जनता दल प्रथम तालिकाटी प्रकाश करी जे प्रथम फेज्रे जदि आप देखिए जे 9 लोकसभा क्षेत्र पाई 72 विधानसभा कि द्वितीय पर्यायर आउ पुनर्वार आउ 6 संसद आउ 6 लोकसभा कि अर्थात ये भाव में मोटामोटी भाव में 15 लोकसभा आसन और 72 विधानसभा आसन पाई दल तार प्रथम सूची में ये तालिका प्रकाश कर एवं ये जो तालिकाटी को जदि देखिए जे अत्यंत माने संतुलित रही तालिकाटी अर्थात दल पक्ष कौन से रिस्क नवापी से चाहना तेणु अधिकांश कारण जब कह 13 जदि जो जगह नुआ मुह बोली कहु से 13 नुआ मुह भितर अनेक जदि आप देखिए कह पुओ रही कि कह स्त्री रही भाव में देखिए जो कथ कहते महिला 12 महिला रही तेणु महिला को निश्चित भाव में गोटे गुरुत्व मिली कहुपर एवं अन्य पक्ष जदि आप देखिए ये जो जो मैंने सांसद होते सांसद प्रार्थी थे से पुनर विधानसभा विधायक भाव में लड़ाक जाऊँगी और दुईज विधायक सांसद भाव में लड़ाक चाहते दुई विधायक कथा जदि कह प्रण प्रकाश दास संबलपुर लड़ाई जाऊँ सुदा मारांडी जो मयूरभंजर हेवीवेट नेता सी एथर विधानसभा छाड़ी सी लोकसभा आसन लड़ाक जाऊँच ठीक से बोले तीन सांसद आप देखिए रमेश माझी पुष्पेन्द्र सिंहदेव और कलिकेश सिंहदेव ये तीन जन 2019 सांसद भाव में लड़ी थे कि 2024 बर्तमान विधायक भाव में लड़ाक जाऊँ तेणु ये तालिका जो कथा कहते पुरुखा एवं अभिज्ञ कारण ये निर्वाचन रणनीति को जदि आप देखिए जे निर्वाचन युद्ध में विजय टीका पिंधापाई कि दल पक्षर जो ब्रिगेड प्रस्तुत करा जाए जो सेना प्रस्तुत करा जाए से नवीन पुरुखा एवं अभिज्ञ मानक उपरे अधिक भरोसा स्थापन करिछंती जो 60 जन को दल रिपीट कर तेणु विशेष को जगह किसी परिवर्तन ही नहीं एवं 60 जन जो पुरुणा पुरुखा एवं अभिज्ञ एमाने निर्वाचन युद्ध क्षेत्र को निर्वाचन युद्ध को बुझिछंती एवं अन्य पक्ष जो कह निर्वाचन युद्ध पाई क्षेत्र प्रस्तुति में बेस पारंग तेणु यही दृष्टि ये जो 60 जन को सुप्रीमो रिपीट कर पूर्वर जो कथा कहला दल गोटे बृहत विजय लक्ष्य नहीं कि काम करुँ पूर्वर संगठन को हिसाब से मजबूत कर विभिन्न जिला पर्यवेक्षक नहीं कि निर्वाचन मंडल स्तर में पर्यवेक्षक निजुक्ति कथा हो एवं संसदीय क्षेत्र समेत विधानसभा को जो समीक्षा करा कथा हो एवं संगठन को विस्तार करने कि जहाँ जहाँ आवश्यकता रही से सबू को दल पक्षर पूरा भल भाव करी कही क्रम से जो मैंने अभिज्ञ एवं पुरुखा नेता दल गोटे आस्था प्रकट कर एवं पूर्वर दल पक्ष जो जो संकेत दिया जाइला जो कथा कहते वरिष्ठ नेता 18 लोकसभा एवं 128 विधानसभा अर्थात चलित अर्थात ये जो साधारण निर्वाचन होगाक जाऊँगी अतीतर समस्त रेकर्ड को अतिक्रम करने कि दल जो ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करुच्ची से ब्लू प्रिंट आधार
ସକାଳ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପୁରା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକସଭାକୁ ଉଭୟ ଦଳ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଦଳ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହିତ ଏଠି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଯଦିଓ 18 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ବିଧାନସଭା ଆସନ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଦଳ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦଳ ଦେଇଛି ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ 21 ଲୋକସଭା ଏବଂ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ନେଇକି ଗତକାଲି ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଛି ଏବଂ ୟା ହିସାବରେ ଦଳୀୟ ରଣନୀତି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ କହିପାରିବା ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ସୁପ୍ରିମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ଜୋରଦାର ହେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମହେଶ ଲଗାତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଗରେ କହିବା କଥା କୂଟନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ମାମଲାର ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିହାତି ଅଯଥା ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସିନେଟ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଣ୍ଡିର ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ବିରୋଧରେ